अगर हमें शिवानी का भरोसा जीतना है तो हमें उस ट्रस्टी को लेकर आना ही होगा। अगर हमारे पहुंचने से पहले ट्रस्टी चिंगारी गैंग के हाथ लग गया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। बदनाम भाई जीवन कैसे चलेगा? अरे जीवन छोड़, धंधा कैसे चलेगा? धंधा यही रहेगा, वो क्यों चलेगा? अरे हाँ। अरे तुम जिंदा हो? ये जिंदा है? ए बिल्ले, अरे अभी तक चीता के हाथ में आया नहीं क्या? तुझे मारा नहीं क्या अभी तक? मनुष्य अफसोस कर रहे हो, वो भी मजे लेकर। तो क्या कर रहे हो? अरे एक मिनट रुक रुक, एक मिनट, क्या हुआ? इंसान सुनने वाला कहा बना जा रहा है, क्या हो गया? मुझे तो पता भी नहीं, बिन्नी ही बबीता है, झूठ। मैं सच कहता हूँ, मुझे पता होता तो मैं ये क्यों करता? आ भाई इसे मार, ये कैसे हो गया शॉर्ट सर्किट, मुझे पता ही नहीं है। एक मिनट बिल्ले, पहले सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, कुछ नहीं करेंगे हम, कुछ नहीं। ए, छोड़ो इसको, भाग जाए। भागे नहीं, भागे नहीं, भागे बिल्ले, रुक एक मिनट रुक। अरे भाई हम जानते हैं यार, किसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए। माँ उल्टा क्यों खुश होना है, सीधा क्यों नहीं? क्योंकि बिल्लू अनजाने में ही सही, तुमने जो कुछ भी काम किया है ना उससे हमारे थाने को फायदा ही हुआ है। हाँ, क्योंकि मैडम सर को मौका मिला ना बिन्नी के जरिए चिंगारी गैंग को पकड़ने का। और क्या? अरे चिंगारी गैंग गए हुए हैं लोग किसी मोहन नाम के ट्रस्टी को उठाने के लिए, तो मैडम सर भी गई हैं ऑन द स्पॉट अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ने के लिए। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, कहीं करिश्मा मैडम चिंगारी गैंग के साथ हुई तो वो भी पकड़ी जाएगी, पूरा गेम चौपट हो जाएगा करिश्मा मैडम का। क्या हुआ बिल्ले? अरे छोड़िए, आप लोग ये क्या कर रही हैं? अरे छोड़िए तो, अरे कुछ बताइए तो सही कि बात क्या है, आप लोग यहाँ क्यों आई है, बताइए तो सही मेरे पति ने किया क्या है। अरे छोड़िए, काम के वक्त फोन नहीं, रूल भूल गई क्या? बजाय उठाया नहीं है, फोन पीक करो मैम, करिश्मा मैम। आप ही को देख रहा हूँ मैडम। क्या देख रहे हो बे? शायद मैंने आपको कहीं देखा है। तुम्हारी मैया की लड़की देखी नहीं कि देखना चालू कर दिया? हाँ, लड़की देखती तुम्हारा टोपा गिरी स्टार्ट हो जाता है, तुमको ना ऐसा हाल करेंगे कि राखी लेके घूमोगे हर जगह और एक ही बात बोलोगे भगवान के लिए आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, ये तो बहुत ही सज्जन और शरीफ इंसान है मेरे पति। शरीफ? ये जानवर? अरे जिसके लिए औरत की इज्जत वो पान की दुकान पे मिलने वाली फ्री माची से ज्यादा नहीं है, जब उठाया जलाया और चलते बने, आसपास काम करने वाली हर औरत का जीना दुभर कर दिया है इसने, जब चाहे छेड़ता है छूता है और उनकी इज्जत के साथ खेलता है, औरतों की इज्जत नोचने वाला आदमखोर वैसी भेड़िया है ये। पूछ तो अपने पति से कि ये सच है कि नहीं, या ले आए उन औरतों को जो रोज इसकी बदनीयती का शिकार बनती है। जवाब दीजिए, क्या ये सच बोल रहे हैं? अरे भाई एक मिनट बात तो करने दो। अरे मुझे माफ कर दो मिता, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद मजाक मजाक में मुझसे कुछ ज्यादा हो गया, और आप लोग भी इस बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए, आप लोगों को जितने पैसे चाहिए देता हूँ मैं, दिल खोल के देता हूँ। पैसे देगा? पैसा संभाल के रखिए आप, आपकी हड्डी जुड़वाने के काम आएंगे, समझे? पकड़ो इनको, लेके चलो। हम ड्यूटी भी तो करते हैं ना, 24 घंटे का हमारा ड्यूटी चलता है, चिंगारी गैंग में शामिल हो जाए तो ये ना करें, आप उनको वैन में बिठाइए, हम बात करते हैं।
मैं कहाँ मर रहे हो तुम, कब से फोन कर रहे हो, क्या प्रलय आ गया, ऐसा क्या बात हो गया है? I am below the spy over and out. आप कहाँ पे हो? हम कहीं पे भी हो, तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम मुद्दे पर आओ. नहीं नहीं, वो चिंगारी गैंग कुमार ट्रस्टी नाम के किसी आदमी को उठाने गई है और मैडम सर उन्हीं को रोकने गई है. तो आप कहाँ पे है? कहाँ पकलौली कर रहे हो पे? हम चिंगारी गैंग के साथ ही उस कुमार ट्रस्टी के घर पे ही है हम. ए बाप रे, बस अभी 13 दिन के बाद मोहल्ले के 2 कौवे हमारे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करेंगे. आपके सारे राज खुल जाएंगे. मैडम सर को पता चल जाएगा कि आप चिंगारी गैंग में शामिल हो रही है और मैंने आपको इत्तला की है. वो उनको पता चल जाएगा तो मेरी भी कब्र खुद जाएगी. आप एक काम कीजिए, अपनी और मेरी दोनों की जान बचा के भागिए फटाफट. धन्यवाद. रुको, लगता है कॉल पे बात करके करिश्मा ने ही हसीना को यहाँ बुलाया होगा. तुम्हारे साथी तो तुम्हें छोड़कर चले गए. कोई बात नहीं, सरकारी गाड़ी है हमारे पास, अच्छे से खातिरदारी करेंगे तुम्हारी. यू आर अंडर अरेस्ट. अब हाथ ऊपर करो और घूमो हमारी तरफ.
कोई जगह बची नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। घूमो हमारी तरफ, हमने कहा घूमो। सर हमें आपसे कुछ कहना है। नहीं अभी नहीं करिश्मा सिंह, आप पहले अपना ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। उठिए उठिए। बस 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 करिश्मा सिंह, हम थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच ही जाएंगे। भैया जल्दी चलिए प्लीज। जी मैम। नहीं नहीं मैडम सर, अस्पताल नहीं प्लीज, हम नहीं चाहते कि हमें कोई ये छिखारी गैंग की साड़ी में देखे। ये क्या कह रही है आप करिश्मा सिंह, आप जख्मी हैं, आपको गोली लगी, आपको हॉस्पिटल ही जाना होगा। चलिए भैया। नहीं नहीं गोली लगा नहीं है मैडम सर, ऐसा टच करके निकल गया, हमें लगा नहीं। आप हमें, हम थाना जाएंगे, वहाँ मरहम पट्टी करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। ये क्या जिद कर रही है आप करिश्मा सिंह, प्लीज मैडम सर प्लीज, हमें थाना लेके जाए। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। हमने शिवजी से कहा था कि बिन्नी को छोड़ दे, उसकी जगह किसी और को पकड़वा दीजिए। अब हमें क्या पता था किसी और यही होंगी, हमारी अपनी बहू। इसलिए माँ मैं कहता था कि दुआ और बद्दुआ दोनों जरूर रिवर्स गियर मारती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। देखो गिर गए ना, मतलब आपकी बहू गिर गई ना, मतलब आपकी बहू को गोली लग गई ना। लगा नहीं फिर? सिर्फ छू के निकला है। लेकिन मैडम आप चिंगारी गैंग के कपड़ों में वहां पर क्या कर रही थी? हाँ जब ये साड़ी आपकी अलमारी में हमें मिली थी तब आपने क्या कहा था? हाँ कि ये चिंगारी गैंग वाली साड़ी है ही नहीं, ये रंग हम पे बहुत जचता है इसलिए। एक मिनट, कहीं 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 आपने चिंगारी गैंग ज्वाइन तो नहीं कर लिया? ए शिवजी, ये सब दिखाने से पहले आपने हमें अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? बस यही दिखाना बाकी रह गया था आपका। और तो और आपने ये बात हमें भी नहीं बताई और मैडम सर को भी नहीं बताई। मैडम आ रहा हूँ। देखा कितनी जिद्दी है। आपकी बहू है।
जिस तरीके से मैडम सर आपको सच का पता चला है ना, हम वो तरीका नहीं चाहते थे और आपको दुखी तो हम कभी भी नहीं करना चाहते। हम आपको खुद आके सच बताते लेकिन चिंगारी गैंग को समाप्त करने के बाद। लेकिन हमें पता था कि अगर हम आपको ये बात पहले बताते तो आप हमें ऐसा करने ही नहीं देते। कहे कि आपका तरीका और हमारा तरीका उसमें मतभेद हो जाता, इसलिए हमने आपको नहीं बताया था मैडम सर। और हमसे ये सब नहीं देखा जा रहा था। अब बार बार शिवानी गैंग के आगे छोटे पड़ रहे थे, उनसे हार रहे थे, अकेले पड़ रहे थे। पूरा शहर, यहाँ तक कि हमारा विभाग भी शिवानी की तरफ हो गया था। हमसे नहीं देखा जा रहा था, ये नहीं देख सकते हम आपको ऐसा हारते हुए किसी के भी सामने। इसलिए हमने ये नाटक रचा मैडम सर, ताकि हम चिंगारी गैंग में शामिल होकर ना उसका विश्वास जीते, और उसका विश्वास जीतने के बाद उसकी लंका में शामिल होकर उसी की लंका को आग लगा दे। ये बस एक नाटक था, बाकी आपको हमारी तरफ से जो दुख पहुंचा है उसके लिए माफ कर दीजिए मैडम सर। आपको जो सजा देना है ना, आप दे दीजिए हमें। हम तैयार है, किसी भी सजा के लिए तैयार है, लेकिन आप हमसे ऐसे नाराज मत रहिए। सजा तो मिलेगी आपको करिश्मा सिंह, आपने हमें बिना बताए ये जो साजिश रची है उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। आपने हमें बिना बताए ये जो साजिश रची है उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। और आपकी सजा ये है करिश्मा सिंह कि आपको ये गेम प्लान बदस्तूर जारी रखना होगा। मैडम सर, जी हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। हमें एक्चुअली आपका प्लान बहुत अच्छा लगा और हमें लगता है कि अब आपको इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए खुद बुराई का मुखौटा पहनना पड़ता है, जो कि आपने किया। हम हमेशा कहते हैं ना करिश्मा सिंह कि आपकी मंशा सही होती है लेकिन आपका तरीका गलत होता है। लेकिन आज पहली बार हम ये कह रहे हैं कि आपकी मंशा भी सही है और आपका तरीका भी सही है। धन्यवाद मैडम सर। पुष्पा जी, वो क्या कहावत है? हम बताते हैं। ऐसा कहते हैं कि चूल्हे से रोटी को निकालने के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाना ही पड़ता है। सही? बिल्कुल सही। आई एम प्राउड ऑफ यू करिश्मा सिंह। बस हमें थोड़ा सा बुरा इस बात का लगा है कि अगर ये सब कुछ आप हमें पहले ही बता देती तो हम चिंगारी गैंग का चैप्टर बहुत पहले ही क्लोज कर चुके होते। इतना दौड़ना भागना नहीं पड़ता और हम आप पर गोली चलाने की गलती नहीं करते। लेकिन जो हुआ ठीक हुआ, अब हम सब मिलकर इस चिंगारी गैंग को खत्म करेंगे। मैंने थारे पे बहुत ज्यादा भरोसा है। मेरा दिल कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तू मैंने कभी धोखा ना देगा। आपका प्लान अब हम सब एग्जीक्यूट करेंगे साथ में। माफी मांग। मुझे माफ कर दो। मैं आज से कसम खाता हूँ, आज के बाद से मैं हर औरत को अपनी माँ बहन और बेटी समझूंगा। किसी भी औरत के साथ किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं करूंगा। औरत तो देवी है, जगत जननी है, मातेश्वरी है, तेरे से ही ये सारा जहान है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अगर गलती से भी पुलिस स्टेशन की तरफ मुंह करके सोया भी ना तो अमेरिका में जो तेरी बेटी रह रही है ना उसके सामने थारी करतूतों का काला चिट्ठा भेज दूंगी, समझा? फिर तू ही समझ ले के होवेगा। पुलिस? कैसी पुलिस बहन जी? मैं तो किसी पुलिस को जानता ही नहीं, मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ, खाकी का रंग नहीं जानता मैं। प्लीज माता जी मुझे जाने दीजिए। चल निकल। जी जी, शुक्रिया माँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। शिवानी, शुक्रिया ना करे। शुक्रिया दीदी।
क्या बात है शिवानी, कहाँ खोई हो? ताई मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये बात सोच सोच कर कि हसीना मलिक को हमारे बारे में कैसे पता चला, किसने बताया उसे? भरोसा और शक में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए शिवानी, इन दोनों काम में जितना वक्त लोगे ना फैसला उतना ही सही होगा, लेकिन तुमने इन दोनों में जरूरत से ज्यादा ही जल्दबाजी की है, अपने लोगों की काबिलियत पे शक करके और गैरों पे भरोसा करके। मतलब? अरे मतलब ये कि हसीना मलिक को करिश्मा सिंह ने ही वहां बुलाया था हमें पकड़ने के लिए, वही है इस सब के पीछे, हसीना मलिक से मिली हुई है वो। शिवानी करिश्मा सिंह गद्दार है। सही कहा सारा भी, हम गद्दार हैं। हम ही है वो आसिम का सांप जिसने हसीना मलिक को वहां बुलाया था ताकि वो आप सबको पकड़ सके। हसीना मलिक को करिश्मा सिंह ने उस ट्रस्टी के यहां बुलाया था हमें पकड़वाने के लिए। शिवानी करिश्मा सिंह गद्दार है। सही कहा सारा भी, हम गद्दार हैं। हम ही हैं वो आसिम का सांप जिसने हसीना मलिक को वहां बुलाया था ताकि वो आप सबको पकड़ सके। खुद के पैर पे गोली खाया हाँ, और हसीना मलिक को हमारे पीछे लगाया और हमारा जो भी प्लान था ना उस पे पानी फेर दिया हमने। हम ही है गद्दार। सही कहा आपने सारा भी। पता है आज हसीना मलिक को पता चलने वाला था कि हम चिंगारी गैंग से मिले हुए हैं। सफेद झूठ, एक और प्रपंच। गोली इसके पैर में ना लगी है, गोली तो यो हम सबने दे रही है। अरे सब बकवास कर रही हो, कोई गोली वोली ना लगी है इसने। लगता है यो नकली घाव दिखा के तू झूठ को सच बना देगी, और अगर तेरा यो घाव असली है तो दर्द भी असली होगा। बिन्नी छोड़ उसे। बिन्नी मैंने कहा छोड़, बंद करिए चंगलीपन अपना। दिख नहीं रहा तुझे, कोई भी बता देगा कि ये घाव भी असली और दर्द भी। माफी मांग उससे। सुना नहीं तूने? सॉरी बोल इसको। सॉरी जाने दे करिश्मा सिंह, माफ कर दे उसे, तेरी खोपड़ी की है जरा। खैर अच्छी बात तो यह है कि हसीना मलिक के तू हाथ नहीं लगी, वरना तेरा ये राज कि तू चिंगारी गैंग के साथ मिली हुई है हसीना मलिक को ऐसे पता चल जाता। समझ में तो मुझे ये नहीं आ रहा है कि हसीना मलिक को हमारे बारे में कैसे पता चला, किसने बताया उसे?
किससे पता चला ये तो हम तुमको बता सकते हैं, पर कैसे पता चला ये अभी भी राज है। किसने बताया? हमारे गोपनीय सूत्रों ने हमें बताया है कि ये बात मैडम सर को चीते चतुर्वेदी ने बताई है। चीता? वो तेरे थाने का हवलदार? वही। पर बात ये है कि ये बात चीता तक कैसे पहुंची? ये तो क्या कर रहा है हमारे फोन के साथ? आओ, पानी गिर गया था ना, तो देख रहे थे कि चल रहा है कि नहीं। हमारा भी फोन आ गया, बताइए ना। वो ना हो, चितेश्वर ने हमारे फोन पे कुछ किया है जिससे उसे हमारी सारी बातें पता चल गई। उसको कैसे पता चला? इस बात का पता लगाना होगा। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि यहां से लीक हुआ है वो इंफॉर्मेशन। कोई है जो यहां का सारा इंफॉर्मेशन चीता तक पहुंचा रहा है। गद्दार बाहर नहीं, गद्दार घर के अंदर है। बेहुदा लड़के, अपनी बकवास बंद कर तू, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चिंगारी संगठन की बुनियाद भरोसा है और तू उसी में दरार डालना चाहती है? दरार पड़ चुका है सारा भी, हम बस मरम्मत का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ये दरार इतना ना बड़ा हो जाए कि चिंगारी गैंग ही ले डूबे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चिंगारी गैंग को हम कुछ नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है तुमसे शिवानी। तो फिर ढूंढ कर लेकर आओ उस गद्दार को मेरे पास। मुझे धोखा बर्दाश्त है, धोखेबाज नहीं। जरूर लेकर आएंगे, तुम्हारे सामने यहाँ पे पड़ा होगा। अभी हम थाना जा रहे हैं, फिर पता लगाते हैं कि कौन है आस्तीन का सांप, और फिर तुम्हारे सामने उसको नागिन डांस करवाएंगे। तेरी तो चीते, चीते क्या हो गया? कोई बुरा सपना देखा क्या? कितनी बार कहा है चीते, ड्यूटी पर सोया मत करो। चाय पियोगे? चाय बोल कर आते हैं, हमने भी चाय नहीं पी। मैं आ गया माँ, 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 तुम्हारा सुपर हीरो माँ, मैं बिल द मैन माँ। माँ, जहाँ पे होता है न्याय अब्सेंट, वहाँ पे होता है बिल द मैन प्रेजेंट। उड़ाने आ गया है मुजरिमों का सुख चैन, माँ आ गया है बिल द मैन। माँ, माँ कोई परेशान नहीं दिख रहा है माँ। ए बाप रे निठंदे, तू परेशान है? बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, मैं दूर करूंगा तुम्हारी परेशानी। हमारे पेट में गैस का ज्वालामुखी फटा जा रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, मुंह से बोल नहीं पा रहे, कान से सुनाई नहीं दे रहा, हार्ट नहीं चल रहा, करोगे इलाज हमारा? करो। किस चमगादड़ का अंडा चाट के आए हो तुम्हें, क्या बने फिर रहे हो? माँ, माँ ये बुरा है माँ, इसको बुरी दुनिया में डालो माँ। बिल्लू चुप करो। चीते, तुम अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें बुरा लग रहा है बिन्नी के बारे में सोचकर? कहीं दुश्मन से दिल तो नहीं लगा बैठे? जिस बिन्नी का आप बात कर रही है ना, कौन है वो दुश्मन खेमे की है पुष्पा जी? उसके और हमारे बीच में खाली एक ही रिश्ता संभव है, जुर्म और हथकड़ी का, दूसरा कोई नहीं। देखिए उसका फोन भी आ गया पुष्पा जी। हाँ? बिन्नी का कहा बोल? एक मिनट उसको उठा। नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं उठाना। मैडम सर ने क्या कहा है? तुम्हारा काम इतना ही था ना, बिन्नी से चिंगारी गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना, तो वो हो गया है। अब जो कुछ भी करेंगे मैडम सर करेंगे, फोन मत उठाना, बात मत करो उससे। हाँ चीते, उसका नंबर ब्लॉक कर दे, ना रहेगा बंबू ना लगेगा तंबू। एक मिनट रे, रक्त पिसाच, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं रे। नहीं, इतना आसानी से कोई घर का तौलिया इस्तेमाल करके नहीं फेंकता, जैसे हमको बिन्नी को निकाल कर फेंकने के लिए बोल रहा है। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हुआ है चीते? निठल्ले, तुम उसको चाहने लगे हो? इसीलिए उसका नंबर नहीं ब्लॉक कर रहा है ना माँ? माँ सुपर हीरो करेक्ट बोल रहा है ना माँ? चुप करो ना, बकैती कर रहे हो कब से, और कितना झूठ बोलोगे तुम चीते? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम बिन्नी के बारे में कुछ और ही सोच रहे हो। हमको नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं पुष्पा जी, एक बात जो हमको पता है वो ये है कि दुश्मन से लड़ा जाता है, उसको धोखा नहीं दिया जाता। जो इंसान आपसे प्यार करता है, जो इंसान आप पर भरोसा करता है, जो इंसान आपको अपना मानता है,
उसको तो कम से कम धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहिए ना पुष्पा जी। वो बिन्नी हम पर भरोसा की और हम उसके साथ विश्वासघात किए पुष्पा जी। बस इसी बात का हमारे अंतर मन में ना द्वंद चल रहा है और उसी का बोझ नाम से सहा नहीं जा रहा है पुष्पा जी। निठल्ले ज्यादा मत सोच, इसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अब तक बिन्नी को तूने जो प्यार में धोखा दिया है वो पता चल चुका होगा। हटो, क्या हो रहा है, हट जाओ। बिन्नी, बिन्नी सुन, सुन मेरी बात। क्या करें बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, बोल तो सही। आज जाता ही हमारी बुद्धि फिरी हुई है, मैं सब कुछ छोड़ डालूंगी, हट जाओ। छोड़ छोड़ मैं शांतु, अब तो तुम लोग जाओ ना, वो काम करो अपना, जाओ, सब ठीक है, यहाँ जाओ। सुन मेरी बात, क्या हुआ? मैंने कहा था ना ताई, हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है। हाँ? जरूरत है तो बस उसे समझने की, पहचान की, उसे भरोसे की। हाँ, कहा तो था। हाँ तो था, किया ना मैंने भरोसा, बदले में क्या मिला मुझे? मारी फीलिंग्स, मारा भरोसा, उन सबको कूट काट कर अपने मतलब का फार्मूला बना डाला उसने ताई। कौन, किसकी बात करे? और कौन ताई, वो हवलदार चीता चतुर्वेदी, और कौन? चीता, वो तुझे कहाँ मिला? अरे ताई, वो चीता ही चीतेस पर है, सारा ऑनलाइन वाला लड़का। वादा कर चीतेश्वर, तू कभी किसी को इस रिश्ते के बारे में ना बताएगा, खासकर अपने उन थाने वालों को। फिर भी मैंने उस पे भरोसा किया ताई, मैंने उसे प्यार किया, पर वो सब कुछ ना था ताई, वो मुझसे कोई प्यार व्यार ना करता है ताई, वो सब धोखा था, विश्वासघात था ताई। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ इसलिए था ताकि वो चिंगारी गैंग के अंदर आके हमारे से इन्फॉर्मेशन ले सके। ये क्या किया तूने बिन्नी? अरे वो चीता दुश्मन है हमारा, और दुश्मन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? कम से कम हमें तो बता दिया होता, शिवानी को पता चलेगा ना तो भूचाल आ जाएगा। शिवानी को पता चल चुका है सारा भी। जैसा कि हमने तुमसे कहा था शिवानी कि तुम्हारे गैंग की गद्दार को हम तुम्हारे सामने रखेंगे, तो ये है वो गद्दार, वो मुजरिम, वो आस्तिन का सांप जिसने सारा इन्फॉर्मेशन चीते के थ्रू मैडम सर तक पहुंचाया है। बिन्नी, क्या ये सच है? शिवानी, अरे क्या हो गया तुझे, इससे ऐसा सवाल तू कर ही कैसे सकती है? अरे ये बिन्नी है, हमारी बिन्नी, इस पे शक कर रही तू? मुझे इससे बात करने देता ही। बिन्नी, कुछ पूछ रही हूं मैं तुझसे, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे मुझसे कि क्या ये सच है, क्या तू और चीता मिलते थे? क्या हसीना मलिक हमें पकड़ने के लिए आई थी, क्या ये बात तूने चीता को बताई और चीता ने हसीना मलिक को? जवाब दे मुझे बिन्नी, क्या ये बात सच है? शिवानी, भाई तुला पर नहीं माहिती होता, क्या तू जानती थी कि मेरे पीठ पीछे ये और चीता एक दूसरे से मिलते? जवाब दे मुझे ताई, क्या ये सच है? नहीं, हमें भी अभी पता चला, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि वो कमीना हवालदार अपनी खुद की पहचान छुपा के इससे मिल रहा है। इसने तो ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो ऑनलाइन दोस्त वही चीता हवालदार है। अरे इसने तो खुद धोखा खाया है शिवानी। नहीं नहीं, धोखा हमारे साथ हुआ है, हमने अपनी जान जोखिम में डाली और इन सब की जान बचाई, पैर पे गोली हमने खाया है, अपनों से छल हमने की और बदले में हमें क्या मिल रहा है? सारा भी के शक का जहालत।
हमें विश्वासघाती का मेडल मिल रहा है, जबकि जो गद्दार है वो गोदी में बैठ के बुट्ठे छिल रहा है। सुन, तू इस तरह जहर उगलने की कोशिश मत कर। दाई। अरे ये भड़का रही है तुझे, तू होश में आ, अपनी आंखें खोल, खेल खेल रहे हमारे साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब विश्वासघात करे कोई और खेल हम खेल रहे हैं, धोखा दे कोई और हम भड़का रहे हैं। इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए सबको धोखा दिया है यहाँ पे और नाम हमारा लगाया जा रहा है। बहुत बढ़िया शिवानी। तुम बीच में मत बोलो, हम तीनों चिंगारी गैंग के पिलर से स्तंभ है। अरे हमारी आपस की बात है, हम देख लेंगे, तू जा। ताई, गुनेगार चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिन्नी ने क्या किया है और क्या नहीं वो तो चिंगारी की अदालत में फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए बिन्नी आरोपी है और किसी भी आरोपी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। इसीलिए मैं बिन्नी को इस पद से हटाती हूं। और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक बिन्नी की जगह करिश्मा लेगी। ये बनेगी हमारा तीसरा पिलर। सौभाग्य है हमारा शिवानी, हम प्राण दे देंगे लेकिन चिंगारी गैंग के मान सम्मान को बनाए रखेंगे। जान देना पड़े लेकिन लेकिन चिंगारी गैंग का स्वाभिमान कभी नहीं झुकेगा, ये वादा है हमारा। भरोसा है मुझे तुझ पर, जा के रेस्ट कर, थक गई होगी। ये हुआ चिंगारी गैंग का पहला विकेट है। करिश्मा सिंह सच में बहुत अच्छा काम किया है आपने। चिंगारी गैंग की नींव पर ये हमारा पहला वार है, बहुत जल्द ये पूरी की पूरी इमारत चूर चूर होकर गिर जाएगी, ये गैंग हमेशा के लिए खत्म, और ये सब आपकी वजह से हो पाया है, इसलिए थैंक यू वेरी मच एंड अ फैंटास्टिक जॉब। अच्छा हमें लगता है कि अब आपको कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए, आपके घाव भर जाएं, थोड़ी सी आप ठीक हो जाएं, उसके बाद वापस आ जाइएगा, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो हम आपको बताएंगे। जी जय हिंद। मैडम सर ये वो फाइल जो आप मंगाई। हाँ थैंक यू, और एक बात, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा लेकिन अगर तुम बिन्नी से दोस्ती का नाटक नहीं करते तो वो कभी एक्सपोज नहीं होती, और अगर वो एक्सपोज नहीं होती तो करिश्मा सिंह चिंगारी गैंग में उसकी जगह नहीं ले पाती। अभी अभी हमारी उनसे फोन पर बात हुई है, उन्होंने चिंगारी गैंग को ज्वाइन कर लिया है, बहुत जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस सब की शुरुआत तुमसे हुई है, सो गुड जॉब। हमें थोड़ा सा काम है, अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो। थैंक यू मैडम सर, जय जय। लिटल ई करे ई का है चिता, आई नो तुम्हें बिन्नी का गम खाया जा रहा है लेकिन गम खाने से पेट नहीं भरेगा। मैं भी नहीं कुछ खाया इसीलिए मैंने ये और ये भजिया लाया है, तू मैं और ये तीनों मिलके बैठते हैं चल। चेंज करके आते हैं, हाँ बदल के आते हैं, रुक रुक।
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जान लेने आई हूँ थारी। आज तुम बचने का ना है हमारे से। पागल हो गई हो तुम? गोली चलाओ यहाँ पर तुम, हैं? जानती हो कहाँ पर खड़ा हो? थाना में खड़ा हो और थाना में गोली चलाने का मतलब समझती हो तुम? मरे को कोई परवाह नहीं, समझा तू? आज मैं तने मार डालूंगी, धोखेबाज। अरे ये कौन सी फाइल लाने के लिए कहा था हमने और कौन सी फाइल? हम ही देखते हैं। चीता घर चला गया। छोड़ मैंने, मार डालूंगी आज मैं तने, चीट डालूंगी, फाड़ डालूंगी। मारना चाहती हो ना, मार दो, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर हमारे साथ साथ तुम भी मरोगी। आओ हमारे साथ, हम तुमको बताते हैं हमको मारने के लिए कौन सा जगह बेहतर होगा। जाता ना, होशियार बनने की जरूरत नहीं, समझा? अपना आने वाली हूँ मैं थारे छलावे में। प्रपंच रच के भागना चाहता है ना तू? भागना चाहता है? किससे भागना चाहता है? दुनिया वालों से कि तुमसे? पता है बनी, हम सबसे भाग जाएंगे, खुद से भाग कर कहाँ जाएंगे यार? ये हमारा अंतर मन का द्वंद्व है, हमारा खुद का लड़ाई खुद के साथ। और भागने का कोशिश किए भी तो तुम्हारे पास है ना जी, को यहाँ पर टाइट लगा के रखो, तो इसे तुमको लगे कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठपाक से ट्रिगर दबा देना। चल। हाँ तो ठीक है, चलो। चीटी, आजा भाई। ये चीते का पेग अकेला ही मैच करना चाहिए। बाप रे, चीते, I'm so sorry, मैंने तुम्हारा पेग भी पी लिया। शुरू से शुरुआत करेंगे, कुछ नहीं पिया मैंने, कुछ नहीं पिया। या भी नया पे तुम्हारा और ये मेरा। हाँ, अभी किसी ने कुछ पिया नहीं है। चीते, चीते निकल ले, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ बाहर। सब रेडी है, पेक रेडी है, चकना रेडी है। बस तुम रेडी होने के लिए कहाँ गए पता नहीं, आ जा। घर चला गया होगा। घर कैसे जा सकता है वो? मतलब हम तय किया था बाहर बैठेंगे, ड्रिंक पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बहुत ही तेज। तो वो उसने कहा कि चेंज करके आता हूँ। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका तुम्हारे साथ ड्रिंक्स पीने का मूड ना हो, किसी और के साथ पीने का हो। नो, ये दुपट्टा यहाँ कैसे आया? ये तो लड़की का है। ये दुपट्टा मरून कलर का, ये चिंगारी गैंग की औरतें ज्यादा पहनती है ऐसा। हाँ लेकिन चिंगारी गैंग की कोई भी मेंबर यहाँ इस वक्त क्यों आएगी, क्या काम? चिंगारी गैंग बिन्नी, कहीं बिन्नी चीता से मिलने तो नहीं आई? बिन्नी? कहीं बिन्नी को पता तो नहीं चल गया कि चीता हमारे साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था? बिन्नी के बारे में सोच रही है ना? अब देख शिवानी, गलती करने में और गलत होने में फर्क होता है। हमारी बिन्नी ने गलती की है पर वो गलत नहीं है, वो नासमझ है, मासूम है, दिमाग से ज्यादा दिल से सोचती है शायद, इसीलिए अक्सर अपने लिए बवाल खड़े किया करती है। उसी से तो बचाना चाहते हैं ना हम उसे ताई। ये दुनिया बहुत क्रूर है ताई,
मासूम लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। मैं जानती हूँ तू बिंदी से बहुत प्यार करती है जवान, परवाह है तुझे उसकी, इसीलिए तू हमेशा उस पर चिल्लाती रहती है, उसे डांटती पटकारती रहती है ताकि वो दुनियादारी जल्दी समझ पाए। एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभाती है तू, और आज नहीं तो कल बिंदी भी इस बात को समझ ही जाएगी बेटा। पर मैं एक माँ हूं ना, तुम दोनों की माँ, मैं तो हमेशा तुम दोनों को साथ ही देखना चाहूंगी। माफ कर दे बेटा उसे, मैं गारंटी लेती हूँ, समझाऊंगी मैं उसे बेटा, माफ कर दे उसे। ताई मैं बिन्नी से नाराज थी ही नहीं, मुझे बस उसकी फिक्र रहती है। लेकिन तूने कहा है ना, तो अभी बिल्कुल वैसा ही होगा। लव यू ताई। मैं जाकर डम्बल क्वीन से बात करके आती हूँ। मैं भी जाती हूँ सर। अच्छा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मने फिर से फंसा लेगा तू। तेरी हीरोगिरी देख के मैं ऐसे फिसल जाऊंगी, जो तने मेरे साथ किया है वो मैं सब भूल जाऊंगी। तू मरेगा और आज ही मरेगा तू, धोखेबाज। नहीं दिखा रहे हीरोगिरी यार, ना ही कोई डायलॉग मार रहे हैं, समझो ना, हम हैं गुनेगार यार, तुम्हारे भरोसे के, तुम्हारे विश्वास के कातिल हैं हम। और सुनो बिन्नी, हमको मारने के बाद से अगर रत्ती भर का भी सुकून तुमको मिलता है तो इंतजार मत करो, क्या कि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है पश्चाताप के साथ जीना। इधर से तुम मार दोगी हम मर जाएंगे, टंटा खत्म, चलो चलाओ गोली, इंतजार मत करो, मारो। हाँ तो मर फिर। बिन्नी कहाँ है? पता नहीं था है, अभी तो इधर ही थी। बिन्नी कहाँ है? मैंने नहीं देखा था है। कहाँ गई हुई? बिन्नी कहाँ पर है? पता नहीं जिज्जी, बहुत गुस्से में थी, भड़की हुई थी, कट्टा उठाई बस चल दी। अपने मुखबिरों को शहर में हर जगह भेजो और बिन्नी का पता लगाने को बोलो तुरंत। एक मिनट और, एक आखिरी चीज जिससे तुम पर और कोई भी इल्जाम ना है, हमको ना खाली एक सुसाइड नोट लिखने दो जिसमें हम लिख देंगे कि हम काम के परिसर में आकर, पर्सनल लाइफ के परिसर में आकर खुद से खुद को मार रहे हैं। है हमारे पास, हमको लिख लेना, खाली लिख लेना। हो गया लेटर, एकदम ठीक है सब, हैं? चलो हम तैयार हैं, मारो गोली। स्पीकर पड़ा। अरे इसका फोन ना उठाऊंगी ना तो ये बार बार फोन करती रहेगी। हाँ बोलता ही। बिन्नी कहाँ है तू? अभी तने यो सब बताना जरूरी है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ? जो पूछा उसका जवाब दे, इस वक्त तू कहाँ है? घूमर निकली हूँ, बोल। आराम से, आराम से। ये तो उस हवालदार चीता की आवाज है ना? तू चीता के साथ है बिन्नी? चीता? बिन्नी कहीं चीता को मारने तो नहीं निकली? वो पुलिस वाला है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। हे परवरदिगार, इसका मकर को अकल दे। चलते हैं। हाँ, चल। एक सेकंड, सॉरी सॉरी। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? You are trying to call is currently not reachable.
सॉरी, परिवार वालों का फोन आ गया था यार। बस बहुत हुआ, अब कोई ना आएगा बीच में। एक मिनट, छोड़ो। लो, अरे पकड़ो भाई, रुमाल से पकड़ोगे तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट इस पर नहीं आएगा, इससे तुम पर बाद में कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। चलो मारो गोली। हाँ तो ठीक है, बोल, कोई आखिरी इच्छा? नहीं यार, इसे तो कोई आखिरी इच्छा नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी किए ना यार, मजबूरी था हमारा, फर्ज के हाथ तो बहुत ज्यादा मजबूर थे, ना तो किसी के साथ विश्वासघात करें, किसी को छलें, किसी को रुला, ऐसा संस्कार नहीं दिया हमारी माई हमको यार, हमारा दिल दुखाए ना, हमको भी बहुत बुरा लगा, हो सके तो माफ कर देना। एक और बात, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कहना, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रहा है, लेकिन जो सच है वो सच है, तुम्हारे साथ भले ही प्यार का नाटक किया, लेकिन हमारा प्यार झूठा नहीं था यार। झूठ, फिर से धोखा। मरने वाला आदमी कहाँ झूठ बोलेगा यार मिन्नी, ये पूरा दुनिया में ना हम अपना माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसका कसम खाकर बोल रहे हैं, हमारा प्यार झूठा नहीं था यार, सच्चा प्यार था भाई हमारा। क्या हो गया बिन्नी? अरे आप क्या सोच रही हो? चलाओ ना भाई गोली। गोली चलाओ, ताकि पूरी जिंदगी भर मारे कब सोच रहे कि तारे जैसे अच्छे इंसान को मैंने अपने हाथों से मार दिया, ना पास आने दे रहा है, ना मरने दे रहा है, ना मारने दे रहा है, कुछ तो ऐसा बुरा बोल के मैं तारे ऊपर गोली चला सकूं, तारी जान ले सकूं। अब जो है सो यही है, बाकी दुख इसी बात का है बिन्नी कि तुमको चीट किया है यार, लेकिन ये बात का खुशी भी है कि जिसे प्यार किए उसी के हाथों मर जाएंगे। इंतजार किस चीज का कर रही हो भाई? चलाओ गोली, कर लो अपने मन का अंदर का आग को शांत, मारो गोली। अरे बस कर यार, बस कर, अब के जान लेके माने का मारी। I love you. I love you too. Binny! ये क्या कर रहे बिन्नी? इतना सब होने के बाद भी तू इस पुलिस वाले से मिल रही है? मना किया था ना तुझे? क्योंकि ये उसका हक है। बिन्नी एक बालिक लड़की है और अपना लाइफ पार्टनर चुनने का उसे कानूनन अधिकार है, तो में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। चलो हमारे साथ। रोक, कानून के भपके मुझे मत दे जस पातो वाली बाई, जितनी तेरी उम्र है ना उससे कई ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी और मुझे जबानी याद है। तुझे क्या लगता है तेरा कानून या तू मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? ये गलत फहमी है तेरी, ट्राई करके देख। चल बिन्नी। बिन्नी हमारे साथ जाएगी। बिन्नी चल। बिन्नी इस तरफ तुम्हारा सच्चा प्यार है। सुन अपनी जीजी की बात मान, चल यहाँ से। बिन्नी फिलहाल सिर्फ हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बिन्नी मेरी बात मानो, चल। बिन्नी शुक्रिया इसे चुराए ना, लेकिन इसे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हम हैं ना। चल बिन्नी। चल बिन्नी। चल बिन्नी, तुम गलत कर रही हो। बिन्नी, बिन्नी
कहाँ जा रही है? हमारी बात बिना सुने हाँ? कभी तो घर में काम किया कीजिए। ऑर्डर ऑर्डर बिल्ली तुम पर सोया है। अब बाबा चुप करो। देखिए क्या आप... देखिए आप लाइन हाजिर कर देंगी? कीजिए, हम नहीं डरते किसी से। पुष्पा जी शराब कौन लाया ये? बिल्ले उठो। ऑर्डर ऑर्डर उठो। ऑर्डर इधर भारो 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 भारो। तुम आराम से। पूछने का जरूरत तो है नहीं। क्या हुआ क्या? कि ये करतूत किसका होगा? हाँ करतूत तो मेरी है, लेकिन किसके लिए किया है ये तो पूछो। अपने फ्रेंड के लिए किया, अपने मित्र के लिए किया है, अपने चीते निठल्ले के लिए किया है, क्योंकि वो दुखी है। दुखी किसकी वजह से है? बिन्नी की वजह से। जब देखो मेरे फ्रेंड की दिल की लंका लगी है, इसलिए मैंने उसको कहा कि भाई दो घूंट लगा लेगा तो वापस जी लेगा। वाह बहुत बढ़िया। अपना जो तुम्हारा घटियापन है वो तुम उस पे थोप दोगे, उसको दारू पिलाओगे तुम। हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हैं। चीती के लिए ढूंढ रहा हूँ, ये सब चीती के लिए कर रहा हूँ। हाँ फिर क्या, यही इसमें से कोई एक अपने प्यार से मेरे फ्रेंड के दिल के घाव भर सके, बस यही चाहता हूँ। लेकिन अफसोस पहले वाले ने तो दिल तोड़ दिया और दूसरी वाली ने तो दिल का भरता बना दिया, लेकिन अभी नहीं। नो चांस, अभी मैं कोई चांस नहीं लूंगा। बस अभी जो भी लड़की मैं चीती के लिए चूज करूंगा, मैं खुद पर्सनली उसका बैकग्राउंड चेक करूंगा और फिर उसके सामने खड़ा करूंगा, ताकि दोबारा मेरे फ्रेंड के अरमानों को कोई चिंगारी ना लगा सके। हम भी आजकल चीते के लिए बहुत परेशान हैं। हे शिव जी, बस चीते को इस सबसे लड़ने की शक्ति दे दीजिए। करिश्मा मैडम, ये करिश्मा मैडम। हाँ हाँ हाँ। चीता को सदमा लगा है वैसे। देखिए देखिए क्या कर रहा है वो, आंख बंद करके। क्या हो गया? हाँ चलिए आइए। देखिए हाँ चलिए, रखिए रखिए इसे, रख रहे रख रहे। आइए मैडम। चीता मैडम मैडम ये देखिए। ए चिता भाई चिता भाई, अरे क्या कर रहे चिता भाई? अरे चिता भाई बहुत थक गए, बैठो बैठो ये चेयर लो। देखिए मैडम ये दिमागी संतुलन इसका बिगड़ चुका है चिता का, क्या कर रहा है देखिए। अमा वो चूरन आदमी वो गाना सुन रहा है, कोई गाना भी नहीं सुन सकता है का? नहीं 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 नहीं, ये जिस मौसम से गुजर रहा है ना, इसका छूमना नहीं पी के घूमना बनता है माँ। बैठो बैठो। ये भागे भाई, पागल है क्या है क्या ये? चीते चीते नहीं आ रहे। परेशान हो रहे थे ये सोच सोच के तुम पे कहा बीत रहा होगा, तुम्हारा कितना चिंता कर रहे थे हम कि तुम पता नहीं किस किस टोपा से गुजर रहे होगे। ट्रॉमा। हाँ वही वही ट्रॉमा। तुम यहाँ गाना सुन रहे हो, क्या चल रहा है ये सब? अरे जो भी है खुश तो है ना, तो रहने दो ना खुश। चीते दुखी है मैडम, बहुत ज्यादा दुखी है, और इसी टेंशन में नहीं गाना लाए के सुन रहे थे, इसे घूम रहे थे, नाच रहे थे, ताकि परेशान होकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे अपना साथ। मैडम हर बार हमारे साथ ही इससे काहे होता है मैडम, हर बार कोई ना कोई आता है, टप्पा खाकर वापिस चला जाता है, और हमारे लिए दूसरा संभव भी नहीं है ना। अगर प्यार करना है तो ड्यूटी को भूलना पड़ेगा, और ड्यूटी करना है तो प्यार को भूलना पड़ेगा, लेकिन इस बार एक चीज क्लियर है मैडम, ड्यूटी हम नहीं भूलेंगे। ये तो क्लियर हो गया, ये प्यार का गुड बाय है। मैडम सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। चीता क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैडम सर बिन्नी को लेकर परेशान है, कह रहा है ड्यूटी निभानी है तो प्यार को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है चीता, अगर प्यार सच्चा हो ना तो पूरी कायनात उसे मिलाने के कोई ना कोई रास्ते ढूंढ ही लेती है। डोंट वरी, चिंगारी गैंग का खात्मा भी होगा और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल भी जाएगा। एक मिनट मैडम सर, ये असंभव है। आप इसके प्यार के बुझे हुए दीपक को एक और उम्मीद का बत्ती दिखा रही हैं। ऐसा कौन सा आग लगा देंगे हम चिंगारी गैंग में कि चिंगारी गैंग स्वाहा हो जाएगा? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है करिश्मा सिंह, आग तो पहले से लग चुकी है।
नहीं। प्यार ना भूत की तरह होता है बिन्नी, सबने सुना है लेकिन देखा किसी ने नहीं, और तेरे सिर पर ये जो भूत सवार हुआ है ना, वो अच्छे अच्छों को खा जाता है, तो संभाल अपने आप को। ये जो चीता का भूत तेरे सिर पर सवार हुआ है ना, उसे निकाल अपने दिमाग से, वरना ये भूत एक दिन हम सबको निगल जाएगा, समझी? इश्क चीज ही ऐसी है बेटा, जब भी होता है उसी से होता है जिसे हम पा नहीं सकते। भूल जाओ उसे बेटी, जिस गांव जाना नहीं है वहां का रास्ता क्या पूछना। कास, कास यो सब हमारे बस में होता ताई। ताई, ये फरियादी है, मदद के लिए आई है, आइए। क्या हुआ बोलो? मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ इन्हें, पर मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज साहिब, आप ही कुछ कर सकती हैं, बहुत उम्मीद है आपसे। ठीक है, अंदर आओ। एक मिनट बिन्नी, तू चिंगारी की अदालत में नहीं आ सकती, तू यहीं पर रुक। पर क्यों शिवानी? ताई, संगठन की अदालत में विचार मिलने वाले लोग ही शामिल हो तो अच्छा है, और वैसे भी हम इसके क्रांतिकारी विचार तो जान ही चुके, और मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई बात यहाँ की वहां पर हो जाए। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, इसकी अकल मारी गई है इश्क में ताई, अपनी नहीं। बाहर रुक तू, आओ। करिश्मा सिंह, चिंगारी गैंग की नींव पर ये हमारा पहला वार है, बहुत जल्द ये पूरी की पूरी इमारत चूर चूर होकर गिर जाएगी, ये गैंग हमेशा के लिए खत्म। मैडम सर सही थी, यहाँ तो आग कब का लग चुका है। हम अपना माँ कसम खाकर बोल रहे हैं, हमारा प्यार झूठा नहीं था यार। बिन्नी मेरी बात मानो, चल। बिन्नी एक बालिक लड़की है और अपना लाइफ पार्टनर चुनने का उसे कानूनन अधिकार है, तुम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। बिन्नी, फिलहाल सिर्फ हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में कोई नहीं आएगा, और तुम्हारे घर वाले भी मान जाएंगे, शिवानी की जबान। थैंक यू सो मच। वाह जी वाह, अपने प्यार करने वालों की मसीहा शिवानी ताई कहती है कि जाओ, तुम्हारे बीच में कोई ना आएगा, जबकि खुद दो प्रेमियों के बीच में कांटा बन के बैठी है। यो डबल स्टैंडर्ड के बात है, तालियां बजाओ, खड़े क्यों हो? झूठ और मक्कारी में तो इन्होंने नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है, इन्हें तो राजनीति में जाना चाहिए ना, क्यों यहाँ क्या कर रही है? शिवानी ताई सबको न्याय देती हैं, सबको अधिकार देती हैं, पर जब इनके अपनों के न्याय की, अपनों के अधिकार की बात आती है ना, तो इनका इंसाफ डगमगा जाता है, क्योंकि वहां पर इनकी जय जयकार ना हो रही है, वहां पर इनको फूल मालाएं ना चढ़ाई जा रही हैं, तो फिर वहां पर कैसा नाटक, वहां पर कैसा न्याय, वहां पर तो हम सब इनके गुलाम हैं, वहां पर तो शिवानी ताई की दोस्त चलेगी ना। तालियां ना बजाओगे तुम लोग? अरे बजाओ ताली, देख के रही हो? बकवास बंद कर दी, कुछ पता भी है किसके बारे में बक रही है? अरे मने सब पता है ताई, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और के बात कर रही हूँ। यहाँ पर किसी में हिम्मत ना है कि अपने मुंह से सच बोल सके,
सबके मुंह बंद है यहाँ पर ताई, कोई अपने अधिकारों के लिए ना बोल सकता है यहाँ पर, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान ना है ताई। मरू नक्की साड़ी में सारे के सारे मुर्दे खड़े हैं यहाँ पर। टेंशन मत लो, कोई नहीं आएगा तुम दोनों के बीच। थैंक यू सो मच। वाह जी वाह, अपने प्यार करने वालों की मसीहा शिवानी ताई कहती है कि जाओ, तुम्हारे प्यार के बीच में कोई ना आएगा, जबकि खुद दो प्रेमियों के बीच में कांटा बन के बैठी है। यो झूठ और मक्कारी में तो इन्होंने नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। इन्हें तो राजनीति में जाना चाहिए ना, क्यों यहाँ क्या कर रही है? बकवास बनकर भी कुछ पता भी है किसके बारे में बक रही है? अरे मने सब पता है ताई, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और के बात कर रही हूँ। यहाँ पर किसी में हिम्मत ना है कि अपने मुँह से सच बोल सके। मरू नंगी साड़ी में सारे के सारे मुर्दे खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन मैं मुर्दा ना हूँ ताई, मैं जिंदा हूँ, क्योंकि हमारा दिल धड़कता है, सपने देखता है, जीना चाहता है, और मुझसे हमारे जिंदा होने का हक कोई ना छीन सकता, जो सिमानी ताई भी नहीं, क्योंकि ये हक मुझे इस देश के कानून ने दिया है, इस देश के संविधान ने दिया है। तू हसीना मलिक की जबान बोल रही है बिन्नी, शिवानी समझाती क्यों नहीं इसे? याग उस जस्ट बातों वाली बाई ने लगाई है ताई, ये बिन्नी नहीं बोल रही है, ये वो बोल रही है, हसीना मलिक, उसी ने भड़काया बिन्नी को, इसीलिए मुझे इसकी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि अफसोस हो रहा है कि ये किसके झांसे में फंस गई है। देख बिन्नी, अभी भी वक्त है, संभल जा। अरे वो हसीना मलिक तुझे इस्तेमाल कर रही है चीता को आगे करके, उस चीता ने पहले भी तुझे धोखा दिया है, वो आज भी तुझे धोखा देगा और आगे जाके भी तुझे धोखा देने वाला है। एक मर्द ने थारे साथ प्यार का नाटक करके तने धोखा दिया, थारा एफएमएस बना के थारी इज्जत उछाली, तो इसका मतलब यो तो ना है ना कि सारे दुनिया के मर्द एक जैसे हो गए? अरे तने थारा प्यार ना मिला तो उसमें मारी क्या गलती जीजी? अपनी नाकामयाबी का गुस्सा तुम्हारे पे क्यों निकाल रही है? बस कर बिन्नी, इससे पहले कि मेरे हाथों से और कोई अनर्थ हो जाए, चली जाए यहां से। मैं ये ऐलान करती हूं कि आज के बाद तू चिंगारी संगठन का हिस्सा नहीं है। निकल जाए यहां से। ये तो क्या कह रही है शिवानी? तो समझाओ इसे ताई, पागल हो चुकी है ये, हसीना मलिक की बातों में कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है, चिंगारी संगठन का लक्ष्य भूल गई है तू। एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में गुलाब का फूल रख के कोई जंग नहीं लड़ी जाती बिन्नी। अरे कौन सी जंग, कौन सी लड़ाई, कौन सा संगठन, यहाँ सब मारा कुछ नहीं है ताई, सब इसका है, इसका कुंठा, इसका गुस्सा, इसका बदला। बिन्नी चुप कर, हम सब इसके हथियार है ताई, और मुझे नहीं बनना ऐसी लड़ाई का हिस्सा ताई, जहां पर प्यार के लिए कोई जगह ना है। जा रही हूं मैं। बिन्नी, बिन्नी, रुक जा, मैं समझाऊंगी शिवानी को, रुक जा। ताई मुझे मारा हक चाहिए, मारा इंसाफ चाहिए, तू दिला पाएगी? बोल, तू दिला पाएगी तो मैं कहीं ना जाऊंगी यहां से ताई। जाने दे ताई, मने पता है कि कैसे लेना है अपना अधिकार। तू अपना ख्याल रख ताई।
पत्थर की प्याज है, कट नहीं रही है। तुम ना बाबू हमारे छाते पर बैठ के प्याज काट दो। जाओ ना यार उधर काट ना, पूरा आंख से आंसू निकल रहा है, तब से पूरा आंख जल रहा है। जाओ उधर से। करे हिमाना, चाय के साथ साथ दारू बेचने लगा का इधर दुकान में तुम? कैसी बातें करो भाई साहब। अरे बिल्ले हमको बिल्ले तुमको सपना दिख रहा है ना? यार हमको यहाँ पर ना एकदम जीती जागती साक्षात बिन्नी खड़ी दिखाई दे रही है। एक मिनट लेट में चेक कर 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 जल्दी कर। शराब वराब का टेस्ट तो नहीं आ रहा है? फिर सपने है ना। एक सेकंड, हमने तो अभी तक चाय भी नहीं पी, फिर हमें क्यों सपना आ रहा है? तुम्हें भी दिख रही है बिन्नी? हाँ, हम तो प्यार भी नहीं करते। प्यार नहीं करता फिर भी बिन्नी दिखाई दे रही है, मतलब सच है। कर रहा तू? नहीं नहीं, हम बस ये देखना चाह रहे थे कि तुम सच में यहाँ पर आई हो कि हम सपना देख रहे हैं। सच है, यूं मैं ही हूं। तुम यहाँ पर मतलब ऐसे अचानक से ऐसे बता देती हमको? चीता, बिन्नी इस बार हमेशा के लिए वापस आई है, दोबारा कभी लौट कर ना जाने के लिए। है? हाँ, इसने चिंगारी गैंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। सच में? डमसर, ये लो। ये तुमने बहुत अच्छा किया चिंगारी गैंग को छोड़कर। हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। अब तुम और चीता नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं पुष्पा जी, फिलहाल हम पूरी तरीके से बिन्नी के साथ नहीं हैं। देखो बिन्नी, हम मानते हैं कि तुमने चिंगारी गैंग को छोड़कर बहुत ही अकलमंदी और समझदारी का काम किया है, लेकिन हम तुम्हारा साथ दें इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हें लीगली एक क्लीन चिट मिल जाए। देखो, अगर तुम सच में चीता से प्यार करती हो और उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी, अपने गुजरे हुए कल के जितने भी दाग हैं, वो साफ करने होंगे। कानूनन तुम्हें अपने सारे जुर्म खत्म करने होंगे, और ये करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। चिंगारी गैंग को खत्म करने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं कुछ समझी ना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें चिंगारी गैंग के खिलाफ गवाही देनी होगी। अदालत के सामने तुम्हें उनके सारे ढके छुपे जुर्म, सारी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बताना होगा। ये करने से ही तुम साबित कर पाओगी कि तुम कानून की तरफ हो, जुर्म की तरफ नहीं, कि तुम सही मायने में अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। मम्मी ने ये तो क्या हुआ, ये है ना तेरी कंजूस ताई। और मैं हूं ना तेरी दिल वाली जिज्जी। मैडम, मैं आप समझ नहीं रहे हो मैडम, सायरा ताई ना हमारे लिए माँ से बढ़कर है, और शिवानी चिच्ची को कभी भी मैंने अपनी बड़ी बहन से कम ना माना है, हमारी फैमिली है वो। जब बिन्नी के साथ में कोई खड़ा ना था ना, तब उन लोगों ने हमारा साथ दिया था। तुम
मैं कैसे करूं मैडम ये सब? बिन्नी देखो, ये बात सिर्फ नजरिए की है। अगर तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो हाँ शायद ये धोखा है, लेकिन एक बार हमारे नजरिए से समझने की कोशिश करो। चिंगारी गैंग को खत्म करके तुम सायरा बी और शिवानी की मदद कर रही हो, उनका भला कर रही हो। विनी आई एम सो सॉरी, लेकिन ये चिंगारी गैंग वाले कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करे, अल्टीमेटली ये लोग एक गैर कानूनी संस्था है। ये लोग जो काम करते हैं वो जुर्म है, वो गलत है, वो सही नहीं है, और ये बात तुम जानती हो। बिन्नी ये तो हम हैं, इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। अगर हमारी जगह कल को कोई और दूसरा पुलिस ऑफिसर आएगा जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन से मतलब है, तो वो तो सिर्फ चिंगारी गैंग को पकड़ने में इंटरेस्टेड होगा ना, फिर चाहे उन्हें पकड़ना जिंदा हो या मुर्दा। क्या तुम चाहती हो उनके साथ ऐसा हो, या तुम ये चाहती हो कि उन्हें एक और मौका दिया जाए अपनी जिंदगी नए सिरे से, नए तरीके से, सही तरीके से शुरू करने का? हम समझ रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बट अल्टीमेटली ये फैसला तुम्हारा है। बिन्नी हम चाहते हैं ना कि पूरा फैसला ना तुम्हारा होना चाहिए। हम तुमको किसी भी बात के लिए बाध्य नहीं करेंगे। तुम्हारे मन में जो आए तुम वही करो, तुमको जो सही लगता है वो करो, जो गलत लगता है वो मत करो। मैं तैयार हूं गवाही देने के लिए, मैं दूंगी गवाही। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है, हमें तुम पे गर्व है। आप कमाल है मैडम सर, आप असंभव को संभव कर दी मैडम सर। थैंक यू मैडम सर। नहीं चीता, इस नामुमकिन काम को मुमकिन तुमने किया है। तुम्हारी वजह से आज हम फाइनली चिंगारी गैंग को खत्म कर पा रहे हैं, सो थैंक यू। बोल अब क्या हुआ? अब ये दुश्मनी का रिश्ता खत्म होने वाला है तो हमने सोचा ये खुशखबरी हम खुद दे तुम्हें फोन करके। दुश्मनी का रिश्ता खत्म होने वाला? इतनी जल्दी हार मान ली क्या तूने? हम हारे हुए दुश्मन से नहीं लड़ते शिवानी। तुझे किसने कहा कि शिवानी हार गई? क्योंकि बहुत जल्द तुम जेल की सलाखों के पीछे होने वाली हो, अपने पूरे संगठन के साथ अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। याद है हमने पहली मुलाकात में तुमसे क्या कहा था? और शिवानी तुम्हें एक दिन तुम्हारी इस लंका से तुम्हारी चिंगारी गैंग के बीच हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए नहीं ले गए तो हमारा नाम भी हसीना मलिक नहीं। तो बस आ रहे हैं हम तुम्हें लेने। और जानते हो ये सब कैसे हो पा रहा है? बिन्नी की वजह से। बिन्नी तुम्हारे खिलाफ बयान देने को तैयार हो गई है। कल मैजिस्ट्रेट के सामने वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी जिसके बिना पर हमें तुम्हारा अरेस्ट वारंट मिलेगा और फिर हम आएंगे तुम्हें गिरफ्तार करने। शिवानी ताई क्या हुआ, तुम्हारी सांसें अटक गई क्या? क्योंकि धड़कनों की आवाज यहां तक सुनाई दे रही है हमें। ऐसे मत करो शिवानी, संभालो अपने आप को। देखो क्या है, तुम्हें गिरफ्तार करने का इंतजार हम बहुत वक्त से कर रहे हैं, मजा किरकिरा मत करो। अफसोस तेरा ये इंतजार इंतजार ही रह जाएगा हसीना मलिक, ना ही तेरा कानून मेरा पहले कुछ बिगाड़ पाया था ना ही अब भी बिगाड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर हिम्मत है तुझ में तो आकर अरेस्ट कर दिखा मुझे, मैं भी तो देखूं कितना दम है तुझ में और तेरी खाकी में। ठीक है देख लेना। आ जा।
माय गॉड, आज से पहले हमारे बिल्लू निवास ने जिसने भी इंटर किया है, आवाज नहीं आ रही ना? आज अभी आ रहा है साउंड? ओके, तो आज तक मेरे बिल्लू निवास में जिसने भी इंटर किया है वो बिल्लू का दुश्मन है, लेकिन आज जो बिल्लू निवास में इंटर करने जा रहा है वो कोई और ही है। इसके लिए हमने अपना बिल्लू निवास एकदम चकाचक कर दिया है, झाड़ू पोछा मार दिया है, फैन लगवा दिया है। किसके लिए? क्योंकि हमारे बिल्लू निवास में कदम रखने वाली है भाभी। अब मेरी भाभी और मैं आपका देव है भाभी। सॉरी पर मने तो इनमें से थारे बड़े फुप्पा वाली फीलिंग आ रही है। बेइज्जती, मुंह पे बेइज्जती, एकदम सामने इंसल्ट। माँ तुम लोग कम थे इंसल्ट के लिए, एक और आ गई अपनी फैमिली मेंबर। सॉरी पर मने इसमें भी घपला लग रहा है। छोटी बहन तक तो ठीक था, पर इतनी हसीन, इतनी यंग लड़की को देखकर मने कहीं से माँ वाली फीलिंग ना आ रही है। देखा, देखा, हमने कहा था ना हजारों में एक है हमारी बिन्नी। हाँ, सोना है, सोना खरा सोना। वैसे लोगों को तो दिख ही रहा है ना कि हमारे ससुर जी की उम्र का है बिल्ला। उठा ले, उठा ले इसको रे। निठल ले, मुझे उठा ले बिल्ले। नाराज हो जाता है बिन्नी। कौन क्या लगेगा रिश्ते में ये बात में इत्मीनान से डिसाइड कर देना। फिलहाल सच ये है कि अब तुम हमारे इस परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। यू आर अ पार्ट ऑफ अस नाउ, सो वेलकम टू द फैमिली। बिल्कुल सही मैडम सर। वैसे तुम हमें माँ बुला सकती हो। हाँ, सिर्फ तुम और मैडम सर को मासी, और करिश्मा जी को गद्दार। और करिश्मा जी को गद्दार। आप लोगों को नहीं पता है उसके बारे में, मने पता है कि वो गद्दार है, एक नंबर की धोखेबाज है, वो चिंगारी गैंग में शामिल हो गई है वो। हाँ, वो तो हमें मतलब... नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बहुत अच्छा किया तुमने बिन्नी की ये सच्चाई तुम हमें बता रही हो, इतना बड़ा राज खोल रही हो। क्या बात कर रही हो, वो धोखा दे रही है हमें? हाँ, धोखा दे रही है वो। क्या कर रही है आप? संवाद में थोड़ा मैच तो रखिए, ऐसे ही फैल जा रही हैं आप, क्या बोल रही हैं? देखो दरअसल बात ये है बिन्नी कि तुमने बहुत अच्छा किया हमें ये बता दिया, आई रियली रियली अप्रिशिएटेड। अब हम और सतर्क हो जाएंगे, और अब चिंगारी गैंग के साथ साथ करिश्मा सिंह की भी खैर नहीं। तुम अब आराम करो, बाद में बात करते हैं। पुष्पा जी, चीता केबिन में आइए। पुष्पा जी, क्या था ये? वही तो हम पूछ रहे मैडम सर, क्या था ये? मुद्दे की बात ये है मैडम सर कि ये सब क्या हो रहा है? आपने इतना बड़ा सच बिन्नी से क्यों छुपाया कि हम सब जानते हैं करिश्मा जी चिंगारी गैंग से मिली हुई है, और सिर्फ मिली हुई नहीं है, हमारे लिए काम कर रही है। हाँ मैडम सर, अब हमको भी लगता है कि बिन्नी को कुछ भी बताने में क्या ही हर्ज है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये सही वक्त है बिन्नी को सच्चाई बताने का। कुछ राज राज ही रहने चाहिए। आप लोग सोचिए, आज बिन्नी हमारी तरफ है, लेकिन कल को अगर उसका मन बदल गया तो? कल अगर वो इमोशनल हो गई, अगर उसे ऐसा लगा कि वो धोखा दे रही है अपनी चिंगारी गैंग को, या किसी भी वजह से अगर वो चिंगारी गैंग के पास वापस चली गई, तो आपने सोचा है वो क्या करेगी? सबसे पहले करिश्मा सिंह को एक्सपोज करेगी, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इससे करिश्मा सिंह की जान को भी खतरा है, और हमारा एकमात्र एक तरीका चिंगारी गैंग को खत्म करने का हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि बिन्नी को इस वक्त सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। इसी में करिश्मा सिंह की भी भलाई है, और हम सबकी भी। क्लियर? बिल्कुल मैडम सर। समझ गई ना? आप लोग जा सकते हैं। जय मैडम। हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा, एक गलत कदम पूरा प्लान बिगाड़ सकता है।